हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम दिए थे और आप लोग का इस बार एसेंशियल रिपीट आ गया था, किसी भी वजह से आया हो आप क्लास टेंथ में या क्लास ट्वेल्थ में, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीबीएसई प्राइवेट के साथ कैसे मूव कर सकते हो उसके बारे में जानेंगे और आपका एनआईओएस के साथ कैसे जा सकते हो उसके बारे में, दोनों के बारे में मैं डिफरेंसेस बताऊँगा, प्रोज एंड कॉन्स बताऊँगा, उसके बाद से आपके ऊपर है, डिसीजन आपका रहेगा कि किसके साथ जाना चाहिए, ठीक है। बट पूरा डिटेल्स हम देखने वाले हैं, कैसे कैसे अप्लाई होता है सारा चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले दो सिनेरियोस आते हैं आपके पास, एक तो है आपका जो भी अभी सीबीएसई से दिया था, तो एक बार स्टूडेंट्स अगर सीबीएसई में एसेंशियल रिपीट में आया था तो आपको सीबीएसई प्राइवेट बनना पड़ता है अगले साल बोर्ड एग्जाम देने के लिए, तो एक सीबीएसई प्राइवेट होता है। एंड आप लोग को मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि एक हमारे पास बोर्ड और है जिसमें आप पेपर दे सकते हो, वो हो गया आपका NIOS। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि दोनों बोर्ड्स की वैल्यू सेम है, CBSE हो या NIOS दोनों सेम है, ठीक है। अब उसके बाद से आप बात करेंगे कि किसका कब एग्जाम्स हो रहा है। NIOS में आपके पास क्या है कि जैसे अभी 2023 में आपने पेपर दिया था तो बिना साल वेस्ट किए 2023 का ही मार्कशीट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और CBSE प्राइवेट में अब अगले साल आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो आपका ईयर गैप होगा और 2024 में एग्जाम्स होगा आपका, ठीक है। उसके साथ साथ बात करें इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब अगर मान लो अपनी अभी अभी हमने आपका पेपर कराया एंड उसके बाद से आपका एक सब्जेक्ट में रुक गया, आप वापस से रुक गए या दो सब्जेक्ट में रुक गए, तो आप एक मंथ के अंदर ही लाइक विद इन अ मंथ आप फिर से पेपर दे सकते हो। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर आपका रुकता है जैसे मान लो आपने फिर से दो सब्जेक्ट में रुक गया तो आपका पेपर अगले साल चला जाता है फिर से 2025 में। NIOS की खास बात है कि इसमें जैसे आप फेल हुए थे CBSE प्राइवेट में दो तीन सब्जेक्ट्स में तो वो आपको सारे सब्जेक्ट का पेपर करा, लेकिन अगर CBSE में आपने फेल हुए थे जैसे आपने दो तीन में पास हो और दो में फेल हो, ठीक है, तो उस केस में आप यहाँ पे दो सब्जेक्ट का मार्क्स को ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करा सकते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं TOC, दो सब्जेक्ट का TOC हो क्या, रिमेनिंग आपका जो तीन में फेल थे या दो में फेल थे उसके हिसाब से आपको तीन सब्जेक्ट का पेपर वापस से देना पड़ता है तीन सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। बाकी दो के मार्क्स क्रेडिट हो गए, मतलब जो CBSE वाला मार्कशीट था उसमें से क्रेडिट हो जाएगा NIOS वाले मार्कशीट में और उस बेसिस पे यहाँ पे पांचों सब्जेक्ट्स का आपको मार्कशीट मिल जाता है। लेकिन CBSE में क्या हो गया, आपको वापस से सारे सब्जेक्ट्स का पेपर देना पड़ेगा और फिर अगले साल आपको एक नया मार्कशीट बन के आएगा। अब इस केस में आपको ये मार्कशीट को NIOS के पास सरेंडर भी करना पड़ता है मार्क्स ट्रांसफर को लेके, उसको हम बहुत ईजी बना देते हैं, आप लोग को सारा प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करा। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि इसमें जो है NIOS वाला जो पोर्शन है क्या इसमें हमें एग्जाम सेंटर हमारे होम टाउन में मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर ये ऑल ओवर द इंडिया होता है, आप कहीं पे भी हैं इंडिया में आप लोग का एग्जाम सेंटर वहाँ मिल जाएगा, आपके सिटी मिल जाएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हर जगह पे सिमिलर वे में CBSE में भी रहता है, आप CBSE में जहाँ पे पेपर दिए थे वापस से आप रजिस्टर करोगे अगले बार वहाँ पे पेपर हो जाएगा, ठीक है। इसका मार्कशीट जो है और TC वगैरह सब आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। सिमिलर वे में अगर आप CBSE पे से भी दे रहे हो तो आपका TC हो गया या मार्कशीट हो गया और माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो सब आ जाता है सिमिलर वे, यहाँ पे भी है तो यहाँ पे तो सेम है। सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस सिमिलर है, इसमें थोड़ा सा चेंज है सिलेबस में NIOS वाले में, वो हम लोग आपको गाइड कर देते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। बाकी यहाँ पे सिलेबस आपका CBSE का जो नया पैटर्न है अभी उसके अकॉर्डिंग रहेगा, तो वो हम लोग यहाँ से बेसिक प्राइवेट में भी आप जाना चाहते हो तो उसके लिए भी हम लोग गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो दोनों डिसीजंस आपका है, आप किस तरीके से जाना चाहते हो। अगर आप NIOS से जाना चाहते हो तो उसके लिए भी हम लोग आपका बोर्ड्स का रजिस्ट्रेशन जैसे लेके आपके एग्जाम्स कराना, आपके मार्कशीट को आपके घर तक पहुँचवाना, ये सभी चीज़ों में सपोर्ट करते हैं हम लोग। सिमिलर वे में अगर आप CBSE से जा रहे हो तो आपका फॉर्म फिलिंग से लेके पूरे साल जो है आपको सपोर्ट हम देते हैं जो 2024 का एग्जाम्स हो रहा है, ठीक है। तो इसमें दोनों में रजिस्टर करने के लिए हम लोगों ने लिंक नीचे दे रखा है हमारे बोर्ड्स के लिए, तो NIOS के लिए भी एक लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप बोर्ड्स के लिए रजिस्टर कर सकते हो, उसके बाद से हमारी टीम आपको कॉल करके सारा डिटेल्स प्रोसीजर बता देंगे। सिमिलर वे अगर CBSE का 2024 का टारगेट है तो आप नीचे एक लिंक दिया गया है वहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो, इसमें फीस बहुत ही मामूली सा है, आप फीस पे करके देन आप इनरोल कर सकते हो, उसके बाद से हम लोग आपको बता देंगे सारा प्रोसीजर्स कि कैसे कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ओके। अब देखो NIOS में जा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले के वीडियोस हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हो NIOS के बारे में और डिटेल्स हमें दे रखा है। CBSE प्राइवेट में जा रहे हो तो मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर आप फॉर्म फिलिंग्स आप लोग पता है ऑनलाइन आता है सारा चीज़ हम लोग बताते भी हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कई बार क्या होता है कि आप लोग का फॉर्म छूट जाता है, वो एक वीक का गैप जो रहता है, अगर आपको पता नहीं चला कि फॉर्म आया कि नहीं आया उस बेसिस पे आपका फॉर्म हो सकता है कि निकल जाए और आपका साल खराब हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग आपको सारा चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, आपका फॉर्म फिलिंग सपोर्ट से लेके आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, कैसे कैसे स्टडी मटेरियल्स, आपको सारा चीज़ हम प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप खुद से करते हो तो आप हो सकता है कि 50-60% लेके आओ, बट हमारा सपोर्ट रहा और बाकी जो ग्रुप में आपके साथ स्टूडेंट्स रहते हैं उनके साथ जो मीटिंग्स होते हैं उस कॉन्फिडेंस की वजह से आप 80-90% तक स्कोर कर सकते हो, इवन आप सीबीएसई प्राइवेट में जा रहे हो तो भी। अगर आपको एनआईएस और सीबीएसई को लेकर कोई भी डाउट है तो यहाँ पे एक नंबर दे रहे हैं हम लोग, वहाँ पे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, कॉल भी कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। होप इज दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।